दोस्तों मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। दोस्तों मैंने कल ही अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने बताया कि आपको फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट क्यों लेना चाहिए, क्यों है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इससे रिलेटेड पूरी मैंने वीडियो कल अपने चैनल पर अपलोड करी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्यों 1.2 लीटर मैंने बुक कराया फ्रॉन्क्स का एंड जो 1 लीटर टर्बो आता है वो मैंने चूज़ नहीं करा। जो मेरे पर्सनल रीजंस हैं वो सारे आपके साथ शेयर करूँगा एंड अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप लोग भी 1.2 लीटर के साथ जा सकते हैं एंड नहीं तो आप लोग 1 लीटर टर्बो वाले के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले रीज़न निकल कर आता है कि मैं लगभग 13 साल से i20 चला रहा हूँ जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। लगभग मैंने 91,000 किलोमीटर्स अपनी गाड़ी चला ली है एंड पिछले मेरे 91,000 किलोमीटर्स का जो पूरा मेरी जर्नी रही है उसमें मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इंडियन कंडीशंस को देखते हुए कि 1.2 लीटर अंडर पावर्ड है। बस हाँ, उस केस में थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता है जब मैं एसी चला रहा होता हूँ एंड जब मेरी गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती तब वहाँ थोड़ा सा फील होता है कि हाँ 1.2 लीटर में थोड़ी सी पावर कम है। उसके अलावा मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो कहीं भी अंडर पावर्ड है या इंडियन रोड्स के हिसाब से वो फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि 13 साल के मेरे एक्सपीरियंस में 1.2 लीटर ने मुझे कभी भी दुखी नहीं करा। तो सेम अप्लाइज विद जो फ्रॉन्क्स का इंजन होगा, सेम टॉर्क सेम पावर दोनों सेम ही आती है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई इशू होगा। सेकंड रीज़न दोस्तों क्या है कि जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है फ्रॉन्क्स का वो 4 सिलेंडर इंजन है एंड 4 सिलेंडर इंजन आपको सबको पता है कि जो उसके NVH लेवल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं एंड जो मारुति का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है डुअल जेट वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है एंड उसकी जो आप बात करूँ मैं उसकी तो माइलेज फिगर्स की उसकी बात करूँ NVH लेवल्स की तो वो सब भी दोस्तों बहुत अच्छे अचीव्ड है मारुति से एंड मारुति बहुत सालों से इसको अपनी अलग अलग गाड़ियों में चलाए पड़ा है, कोई चेंजेस नहीं आते एंड साथ ही साथ दोस्तों एक जो रिलायबिलिटी होती है इंजन की जब इतने सालों से किसी गाड़ी में चल रही होती है तो वो रिलायबिलिटी आपको मिलती है 1.2 लीटर इंजन के साथ। एक और चीज़ दोस्तों कि जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो इतने सालों से चलता आ रहा है एंड जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो आप भी ये चीज़ फील करते होंगे कि गाड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 2-3 सालों में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा देख लीजिए, 13 साल से मैं सेम गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप लोग काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स होंगे जो इस बात से अग्री करें कि जब भी आप गाड़ी लेते हैं आपको एक लॉन्ग लास्टिंग व्हीकल चाहिए होता है एंड मेरा ये ऐसा दिमाग में है कि जब 1 लीटर टर्बो जब इनका बलिनो RS में इन्होंने लॉन्च करा था वो क्यों बंद हो गया, क्या ऐसे रीजंस थे, लोगों ने पसंद नहीं करा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी जिस वजह से माइलेज फिगर्स बहुत कम आ रही थी, तो हो सकता है ये सब रीजंस हो। तो तीसरा रीज़न मेरा निकल कर आता है रिलायबिलिटी, 1.2 लीटर की रिलायबिलिटी भी बहुत सही है। अब दोस्तों जो चौथा रीज़न निकल कर आता है वो ये आता है कि जो प्राइस पॉइंट पे 1 लीटर टर्बो इंजन आएगा वो मेरी प्राइस रेंज से ज़्यादा है एंड उस प्राइस रेंज में जाके मैं फ्रॉन्क्स लूँगा तो वो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो प्राइस में जाके फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी अच्छी कारें आ जाती हैं एंड तब फ्रॉन्क्स जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती है। तो ये भी एक रीज़न है 1.2 परचेस करने का। एंड जो लास्ट रीज़न निकल कर आता है वो ये आता है ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी। 1 लीटर टर्बो इंजन आप तभी परचेस करोगे जब आपको बढ़िया रोड्स हो चलाने की, जब आप बहुत अच्छी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे आपका हाईवे रन बहुत ज़्यादा है। मैं दोस्तों एक टायर 2 सिटी में रहता हूँ एंड जो मेरा मोस्टली रन रहता है वो 80% लगभग सिटी रहता है। तो आप सिटी में जब रहते हो आप तो आप कहाँ से गाड़ी भगा लोगे। 1 लीटर टर्बो का मज़ा है कि उसमें इतना अच्छा टॉर्क मिलता है, लगभग 147 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, तो आपको मज़ा आएगा, ग्रंट मिलेगा भगाने के लिए। बट दोस्तों आप सभी को पता है कि आजकल इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि आप कहाँ से गाड़ी भगा लोगे एंड सबसे मेन बात या तो उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स होता है वो भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ही, दोस्तों क्या ही फ़ायदा है फिर आपको 1 लीटर टर्बो इंजन ले लेगा। अब दोस्तों केवल एक ही रीज़न है जिस वजह से हो सकता है कि मैं टर्बो इंजन ले लूँ, बस एक ही रीज़न है, वो ये आता है कि अगर उसकी प्राइस जो है वो 10 लाख से अंडर आ जाती ऑन रोड, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर ये हुआ तो हो सकता है फॉर अ चेंज, क्योंकि इतने सालों से मैं 1.2 लीटर चला रहा हूँ तो बस उस रीज़न से हो सकता है कि मैं 1 लीटर टर्बो ले लूँ। उसके अलावा ऐसे कोई भी ऐसे एक रीज़न नहीं है जो मुझे फील होता है कि मुझे 1.0 टर्बो इंजन लेना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या मेरी बात से अग्री करते हैं, क्या मेरी बात से डिसअग्री करते हैं, जो भी है आपके मन में वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियोस ज़रा सी पसंद लग रही है, ज़रा सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। दोस्तों इसी नोट पर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम भी हो चली है, मैं चलता हूँ नीचे, ऊपर आ गया था वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।